हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नीट 2020 मतलब नीट 2020 के एग्ज़ाम पेपर में जो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आए थे उनको मैं एनसीईआरटी में एक एक क्वेश्चन को ले जाकर आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन इस जगह से आया था ये जो नीट ट्वेंटी का एग्जाम पेपर है इसमें बायोलॉजी में जो नाइन्टी क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे एन से आए थे जिसमें एट्टी सेवन क्वेश्चन तो आपको एन में डायरेक्टली मिल जाएंगे जब आप उनको देखेंगे अभी मैं वीडियो में हर क्वेश्चन का आपको दिखाऊंगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ एट्टी सेवन क्वेश्चन तो एन से डायरेक्टली है लेकिन तीन क्वेश्चन जो थे वो इनडायरेक्टली एन से आए थे लेकिन वो है एन में लेकिन वो आपको थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा एलेवंथ क्लास की एन से फोर्टी सिक्स थे ट्वेल्थ क्लास की एन से फोर्टी थ्री क्वेश्चन थे एक क्वेश्चन बचा उस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन इलेवंथ की एनसीईआरटी से थे कुछ ऑप्शन ट्वेल्थ की एनसीईआरटी हुआ है आर लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं बाकी हमारे बायोलॉजी सखा चैनल को आप इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं इस चैनल पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की शॉर्ट ट्रिक्स और मोटिवेशनल वीडियो आती रहती हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर और वीडियो देखकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं अब हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं एनसीईआरटी में कहा कौन सा क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्वेश्चन नंबर को देखिए क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें जो प्लास्टोक्विनोन होता है वो इलेक्ट्रॉन को कहा से कहा लेकर जाता है ठीक है ना तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थ्री इस क्वेश्चन पेपर में जितने आपको रेड कलर से सर्कल मार्क दिखेंगे वो सब के सब उसके आंसर हैं बाकी मैं ब्लू कलर से भी टिक कर रहा हूँ अगर आप इलेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी में पेज नंबर टू वन फोर पर जाएंगे चैप्टर नंबर थर्टीन में तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए आप प्लास्टोक्यूनॉन और ये प्लास्टोनॉन इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लेके जा रहा है फोटो सिस्टम सेकेंड से साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स तक और हमारा आंसर भी यही था साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स तक लेके जाता है प्लास्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड से ठीक है तो एक चीज़ और मैंने आपको जो तीन क्वेश्चन बताए थे कि ये इनडायरेक्टली एन से हैं उसमें एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन था ये आपको देखिए ये डायरेक्टली एन से नहीं जा सकते अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू के आंसर के लिए इसका आंसर हो जाएगा ओ आर आई साइट और जब आप एन में जाएंगे तो आपको पेज नंबर 199, नाइनटी नाइन ट्वेल्थ क्लास की एन चैप्टर नंबर 11 में ये आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा इसको आप जूम जब करेंगे तो फिर ये लिखा हुआ है देखिए दिस सिक्वेंस इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। ये किसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ओ के बारे में और हमारा आंसर भी यही है आप देखिए ओ साइट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर थ्री में इको आर वन या इको आर आई के बारे में बोला गया है वो कौन से पेलिनोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है तो इसका आंसर है आंसर नंबर थ्री एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर इलेवन में वन नाइन्टी सिक्स और वन नाइन्टी सेवन पेज नंबर पर आपको ये मिलेगा एक तो आपको ईश् मिलेगा वन नाइन्टी सेवन पेज नंबर पर और वन नाइन्टी सिक्स पर यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है इम्यूनिटी के बारे में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर वन एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स अ फुल रेस्पॉन्स लेकिन जब आप एनसीईआरटी में जाएंगे पेज नंबर वन पर ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर एट में एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स ऑप्शन में जो रॉन्ग स्टेटमेंट था एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक जबकि यहाँ पर साफ साफ दे रखा है एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय डनवाई तो आंसर हो जाएगा मोर्गन जब आप एन में जाएंगे पेज नंबर एट्टी पर ट्वेल्थ क्लास की में चैप्टर नंबर ये आपका फाइव है तो इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ क्लियरली दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन ठीक है यही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग बोला गया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वन और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा एलेवेंथ क्लास की एन में ट्वेल्थ चैप्टर में वन और वन नंबर पर वन पर और वन पर तो वन पर यह दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इसेंशियल होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल के लिए कौन है आयरन बाकी आंसर्स आपको 198 पर मिल जाएंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है मैग्नीज़ की वजह से होता है ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत होती है जिंक की और पोलन जर्मिनेशन के लिए वोरॉन क्वेश्चन नंबर सेवन में है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में जो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं उनको हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं तो इसका आंसर है इथीडियम ब्रोमाइड इन यूबी रेडिएशन जब आप एनसीआर में ट्वेल्थ क्लास की एनसीआर में इलेवन चैप्टर में पेज नंबर पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये जो लिखा हुआ है ठीक है जब आप इसको देखेंगे तो द सेपरेटिड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डी एन ए कंपाउंड नोन एज इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाई एक्सपोर टू यूबी रेडिएशन क्वेश्चन नंबर एट में है जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो डीएनए को ओपन करने का काम डीएनए के हेलिक्स को ओपन करने का काम कौन करता है तो आंसर है आंसर नंबर टू आर एन इसके आंसर के लिए एनसीआरटी में जाएंगे तो एनसीआर में ट्वेल्थ क्लास के में चैप्टर नंबर सिक्स में वन जीरो नाइन पेज पर जब आप जाएंगे जब आप यहाँ पर जाएंगे तो वन जीरो नाइन और वन जीरो टेन दोनों पेज नंबर पर मिला के इसका आंसर है जब आप इसको देखेंगे पूरा आर एन ए पॉलीम्रिज वाइन्स टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इट यूज न्यूक्लोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज सबस्टेट फिर आप अगले पेज पर जाएंगे तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखेगा इट सम हाउ टू आल्सो फैसिलिट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यू जिलोंगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती बच्चे को तो उसमें एम्ब्रियो का ट्रांसफर कौन सी टेक्निक में किया जाता है इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थ्री एड आई एफ टी एंड आई यू टी आप एन सी ई आर टी में चैप्टर नंबर फोर ट्वेल्थ क्लास की में एंड पेज नंबर सिक्सटी फोर पर जाएंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में आपसे बोला गया है कि बेसिक अमीनो एसिड इनमें से कौन सा है तो आंसर हो जाएगा लाइसिन आप एन में जब जाएंगे पेज नंबर 144 पर इलेवंथ क्लास के एन में नाइन चैप्टर पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए क्लियरली बेसिक लाइसिन अमीनो एसिड में वैसे कौन सा है लाइसिन यहाँ दिया हुआ है जब आप इलेवेंथ क्वेश्चन पर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला जब आप जाएंगे इलेवेंथ क्लास की एन में चैप्टर नंबर सेवेंटीन में पेज नंबर टू सेवेंटी फू पर तो यहाँ पे क्या बोला गया है इन द एलव्यूलाइव वेयर देयर इज हाई पी ओ टू लो पी सी ओ टू एंड लेसर एच आइन कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑक्सीहिमोग्लोबिन किन कंडीशंस में बनती है तो वहां पर लेसर एच हाँ कंसंट्रेशन कंसनट्रेशन होनी चाहिए जबकि वहां पर दे रखा था हायर तो रॉन्ग स्टेटमेंट वही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इस क्वेश्चन का आंसर क्रॉस ब्रीडिंग है इसको आप एन में ट्वेल्थ क्लास की एन में चैप्टर नंबर नाइन में पेज नंबर वन सिक्सटी एट पर जाकर देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यहाँ पे आपसे मैच कराया गया है तो आंसर हो जाएगा पहला वाला इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको इलेवंथ क्लास की एन में ट्वेंटी चैप्टर में थ्री थर्टी फोर थ्री थर्टी फाइव थ्री थर्टी सिक्स थ्री थर्टी एट चार पेज पर जाकर इसके आंसर आपको मिलेंगे तो सबसे पहले थ्री थर्टी फोर पेज नंबर पर ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है इसके बाद ये ग्रेप्स डिसीज़ है थ्री थर्टी फाइव पर इसके बाद एडिसंस डिसीज़ है पेज नंबर थर्टी सिक्स पर ग्लैंड की उसमें होता है ये इसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस ये जो है थ्री थर्टी एट पर है ये जो है पेन क्रियाज वाले में आपको मिलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन हो जाएगा पेज नंबर फोर में ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है गोनो रोइयास ये सब यहाँ पर दे रखे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट पेयर है तो आंसर हो जाएगा थ्री द टू डीएनए मॉलिक्यूल इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आपको ट्वेल्थ क्लास के में चैप्टर में वन में 195 पेज नंबर पर जाना पड़ेगा यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है डीएनए लाइगेज एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिकल एंड ज्वाइन देयर एंड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला इनफीरियर ओवरी इसके लिए आपको क्लास की इलेवेंटी में फाइव चैप्टर में सेवेंटी थ्री पेज नंबर पर जाना पड़ेगा रे फ्लोर ऑफ सनफ्लावर ठीक है तो ये यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ से ये मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन के लिए आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फोर इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्वेल्थ क्लास की एनसीआरटी में दो चैप्टर्स में एक चैप्टर नंबर इलेवन में एक चैप्टर नंबर ट्वेल्व में चैप्टर नंबर ट्वेल्व में आपको टू जीरो थ्री पेज टू जीरो थ्री पेज नंबर पर ये मिल जाएगा एक ऑप्शन इसके बाद आप देखिए एलेवेंथ चैप्टर में वन नाइन्टी फोर पेज पर एक ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा इसके बाद आप जाएंगे ट्वेल्थ चैप्टर में पेज नंबर टू हंड्रेड पर एक ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा फिर आप जाएंगे टू ज़ीरो नाइन पेज नंबर पर ये आपको एक ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा ठीक है नाइनटीन क्वेश्चन के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेवेंथ क्लास की एन में ट्वेल्व चैप्टर में टू जीरो थ्री पेज नंबर पर तो इसके लिए दो जगह से आप आंसर देख सकते हैं इसका एक तो ये जो रिएक्शन बनी हुई है ठीक है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए तो इसमें देखिए आप प्रोडक्ट क्या बन रहा है अमोनिया एंड हाइड्रोजन ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के लिए

और इसके आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी में फिफ्टीन चैप्टर में 243 पेज नंबर पर ये यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज रैपिडली डेयर आफ्टर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर हो जाएगा प्लेटी तो इसके लिए आपको जाना है एन सी ई आर टी में एलेवेंथ की मैं चैप्टर नंबर फोर में फिफ्टी वन पेज नंबर पर जब आप फिफ्टी नंबर फिफ्टी वन पेज नंबर पर जाएंगे तो ये प्लेटी हेलमेंट ध्यान दिए हुए हैं इसमें जब आप देखेंगे तो ये बाइलेट्रली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स होते ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर इसका आंसर हो जाएगा एक्टिवेटेड स्लज इसका आंसर जब आप जाएंगे वन एट्टी फोर पेज नंबर पर ट्वेल्थ क्लास की एन सी ई आर टी में चैप्टर नंबर टेन में तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा आप इसको पढ़ के देखिएगा इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर नंबर हो जाएगा टू मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है इसके आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा एलेवेंथ क्लास की एन में चैप्टर नंबर ट्वेंटी में थ्री वन जीरो पेज नंबर पर और थ्री वन वन पेज नंबर पर दो जगह पर आप तब इनके आंसर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा इस जगह से एक मिलेगा आपको ऐसे ही जाएंगे ये आपको मिलेगा यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ से आंसर्स मिल जाएंगे ठीक है ना अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 इसमें स्टेटमेंट पूछा गया है आंसर नंबर हो जाएगा टू जब अब आप जाएंगे ट्वेल्थ क्लास की एन में इलेवेन चैप्टर पर तो वन और वन दो पेजेस पर आपको जाकर इनका आंसर मिल पाएगा सबसे पहले तो आपको 195 पर ये पर रेस्ट्रिक्शन इन्जैम्स की हेडिंग है ये देखनी पड़ेगी फिर आप जाएंगे 196 पर तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 सेवन यहाँ भी मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फोर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको इलेवेंथ क्लास की एन में चैप्टर नंबर फोर में चार पेजेस पर जाना पड़ेगा फिफ्टी वन फिफ्टी और फिर फिफ्टी तो चारों के चारों आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाएंगे ये टीनो प्लाना वायोलि सेंस शो करती हैं टीनो फोरा वाले जो टीलोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं इसके अलावा एक ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा कि स्कॉर्पियन जो है वो आर्थोपोडा में आता है और इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से गिल्स वुक गिल्स एंड वुकलंग्स ठीक है और ट्रैकअल सिस्टम में होता है और एक ऑप्शन ग्रीगेरिया स्पेस जो होता है लोकस्टा या लोकस्ट का है एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ से ये एस्टीरिया जिसको स्टारफिश बोलते हैं इसमें जो है एडल्ट जो भी एडल्ट फॉर्म होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं लेकिन लार्वा कैसा होता है बायलेट्री सिमेट्रिकल होता है

तो आपको अमेजोन फॉरेस्ट इसका आंसर देखने को आपको मिल जाएगा तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी इसके लिए आपको इलेवेंथ क्लास की एनसीई में पेज नंबर वन थर्टी फोर चैप्टर नंबर एट में जब आप जाएंगे तो ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइक्लोपिट के फॉर्मेशन के लिए गोल्जी एप्लेटस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इसका आंसर हो जाएगा क्लोरेला एंड स्पाइरो इसके लिए आपको इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों क्लास की एन में जाना है आपसे यहाँ पे यूनिसेलुलर एल्गा पूछे गए हैं कि यूनिसेलुलर एल्गी कौन से होते हैं तो आंसर के लिए सबसे पहले आपको जाना है इलेवेंथ क्लास की एन में चैप्टर नंबर थ्री में थर्टी टू पेज नंबर पर तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है क्लोरेला अ यूनिसेलुलर एल्का एल्का ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ट्वेल्थ क्लास की एन में जब आप जाएंगे चैप्टर नंबर नाइन में पेज नंबर वन सेवेंटी सिक्स पर तो फिर आपको यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन देखने को मिलेंगे तो सिंगल सेल का मतलब यही आपसे यूनिसेलर पूछा गया है तो ये देखिए ब्लू ग्रीन एलगी लाइक स्पाइरुलिना। तो ये भी सिंगल सेल प्रोटीन में आता है सिंगल सेल मतलब यूनिसेलर ठीक है तो ये यह ऑप्शन यहाँ से मिला के दिया गया था क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पर जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेजिन आंसर नंबर फोर ठीक है जब आप जाएंगे एनसी आर टी में इलेवेंथ क्लास की में, 9 में 148 पर। ठीक है तो आपको यहाँ पर देख, देखने को मिल जाएगा कोलेजन के बारे में ये लिखा हुआ है एट्टी थ्री क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा पूछा गया है डिजोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग तो कौन सी स्टेज में होता है तो इसका आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेवेंथ क्लास की एन सी ई आर टी में चैप्टर नंबर टेन में वन सिक्सटी एट पेज नंबर पर तो जहाँ पे डिप्लोटीन ये दिया हुआ है कि बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉन्ग रिकॉगनाइज बाई रिजोल्यूशन ऑफ द साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका है थर्टी फोर इसका आंसर हो जाएगा फोर्टीन इसको देखने के लिए आप जाएंगे सेवेंटी पेज नंबर पर ट्वेल्थ क्लास की एन सी ई टी में फिफ्थ चैप्टर में तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा मेंडल सिलेक्टेड फोर्टीन ये रहा ठीक है ना थर्टी फाइव क्वेश्चन आपको मिलेगा एलेवेंथ क्लास की एन सी ई आर टी में इसका आंसर नंबर वन है सेवन चैप्टर में वन ज़ीरो वन पेज नंबर पर वन ज़ीरो वन पेज नंबर पर जब आप इसको पढ़ेंगे यहाँ से सिक्सटीन से लेकर ट्वेंटी लाइन को इसके बीच में आपको ये आंसर मिल जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा ये लाइन नंबर कौन सी है सिक्सटीन से लेकर ट्वेंटी के बीच में आपको ये मिल जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इसका आंसर हो जाएगा फोर यहाँ भी मैच ऑफ द फॉलोइंग बोले गए हैं इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एलेवेंथ क्लास की सी में चैप्टर नंबर टेन में वन पेज नंबर पर जब आप पढ़ेंगे नंबर एट ट्वेंटी थर्टी और थर्टी तो यहाँ पर आपको चारों के चारों ऑप्शन मिल जाएंगे जैगोटीन पेकाइटीन ये जब आप पढ़ेंगे और डाइकाइनासिस और ये वाली ठीक है डिप्लोटीन में जो होती है थर्टी सेवन नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर फोर यहाँ से आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है इंक्लूजन बॉडीज के लिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लेगा 37 का इलेवंथ क्लास की एन में चैप्टर नंबर एट में 129 पेज नंबर पर जब आप इसको रीड करेंगे तो ये आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेवंथ क्लास की एन सी आर टी में नाइनटीन चैप्टर में और टू नाइन्टी सेवन पेज नंबर पर जब आप ट्वेल्थ नंबर की लाइन और ट्वेंटी फाइव नंबर की लाइन को पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर यहाँ से मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी नाइन इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर थ्री इसके आंसर के लिए आपको इलेवेंथ क्लास की एन सी आर टी में चैप्टर नंबर सिक्स में नाइन्टी थ्री पेज नंबर पर जाना है और टेन से लेके फोर्टीन नंबर की इन लाइन को आपको रीड करना है इनको जब आप पढ़ेंगे तो इनका आंसर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन है और 14 नंबर के क्वेश्चन के लिए आंसर है इसका थ्री इसके आंसर के लिए आपको ट्वेल्थ क्लास की एन में चैप्टर नंबर सिक्स में 97 सेवन पेज नंबर पर जाना है इसका आंसर हो जाएगा एड फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थीन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी वन फोर्टी वन में भी आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग कराए गए हैं इसका आंसर है आंसर नंबर थ्री इसके लिए आपको ट्वेल्थ क्लास की एन सी आर टी में ट्वेल्थ चैप्टर में ही टू जीरो एट टू जीरो नाइन टू वन टू और टू वन वन पेज नंबर पर जाना है चार पेज पर आपको इनके ऑप्शन मिलेंगे 208 पर आप जब ये पढ़ेंगे 36 लाइन नंबर है ये और जब आप 209 पर जाएंगे तो 209 पर आपको फोर्टीन नंबर की जो लाइन है वो आपको देखनी है उसके बाद आप जाएंगे टू इलेवन पेज नंबर पर तो ये ट्वेंटी नाइन नंबर की लाइन है यहाँ पर जीन थेरेपी दी गई थी ए डी ए की डिफिशियंसी में जो पहली बार चार साल की जो लड़की थी नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आप टू वन टू पेज नंबर पर थर्टीन लाइन नंबर को जब आप पढ़ेंगे एड्स के लिए पी सी आर कराया जाता है ठीक है ना एच आई पी वायरस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट कन्वर्जेंटिवॉल्यूशन इसके लिए आप जाएंगे ट्वेल्थ क्लास की एन सी ई आर टी में चैप्टर नंबर सेवन में पेज नंबर तो आपको 9 से लेके फिफ्टीन नंबर की लाइन को जवाब पढ़ेंगे इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए ठीक है ना ऑफ एंड डॉल्फिन्स ये यहाँ पर दे रखा है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन इसका आंसर नंबर हो जाएगा फोर इसके लिए वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड ये दे रखा है ना तो आपको इसके लिए फोर्टी थ्री के लिए आपको दो पेजेस से मिला के आंसर देखना पड़ेगा पहले तो इलेवेंथ क्लास की एनसीआर में थर्टीन चैप्टर में नंबर नंबर के पेज पर पर या आपको जाना है जब आप टू टू पर जाएंगे तो ये जब आप पढ़ेंगे यहाँ तक ठीक है ना यहाँ पर आपको दे रखा है इन सी थ्री प्लांट ये सब दे रखा है आपको कन्वर्टेड टू मोलिकुल ये सब जब आप पढ़ेंगे इसके अलावा इतना पढ़ने के अलावा आपको टू नंबर इसी चैप्टर में जाना है ये जो दे रखा है नीचे की साइड में थर्टी सिक्स से लेके फोर्टी नंबर लाइन के बीच में जब आप इसको भी पढ़ेंगे इन दोनों को आप मिलाकर जब पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी इसका आंसर हो जाएगा इस्पोरोजॉइट्स इस क्वेश्चन इस इस... के आंसर के लिए आपको एन सी ई आर डी में वन फोर्टी सेवन पेज नंबर ट्वेल्थ क्लास की में एट नंबर चैप्टर में जाना पड़ेगा तो इसकी इन्फेक्श फॉर्म प्लाज्मोडियम की दी हुई है स्पोरोजॉइट्स ये यहाँ से आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव क्वेश्चन के लिए आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ठीक है ना तो ये जहाँ पे टॉपिक दे रखा है सेप बुड और हट बुड वाला ये आपको पढ़ना पड़ेगा आंसर नंबर है इसका वन इसके लिए आप जाएंगे इलेवंथ क्लास की एन में चैप्टर नंबर सिक्स में नाइन्टी सिक्स पेज पर जब आप जाएंगे तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर यहाँ से मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी सिक्स वाला सिक्स नंबर के क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फोर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको ट्वेंटी पेज नंबर इलेवेंथ क्लास की एन में जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर टू में और इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर इसके लिए जब आप पढ़ेंगे इट वॉज फाउंड टू वी फ्री आर एन इट लेक द प्रोटीन कोट तो ये आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी इसके लिए आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फोर मैच ऑफ द फॉलोइंग कराए गए हैं इसके लिए जब आप जाएँगे एन में 146 फोर्टी क्लास की में चैप्टर नंबर एट में 146 147 और 149 तो 146 की एन में तो आप 37 लाइन नंबर पर साल मोनीला टाइफी जो बोला गया है टाइफॉइड फ़ीवर के लिए ये मिल जाएगा इसके बाद जब आप जाएंगे 147 पर तो आपको यहाँ से इस लाइन में एक आंसर मिल जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुन्जे वाला दूसरा जब आप जाएंगे ट्वेंटी नंबर की लाइन में ठीक है ना जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये यहां से मिल जाएगा एक ऑप्शन आपको मिलेगा वन पेज नंबर पर व्यूचेरिया वेन क्रॉफ्टी वाला ठीक है एलिफेंटियसिस या फिर जिसको हम फाइलेरियसिस बोलते हैं तो ये आंसर आपको यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इस क्वेश्चन का आंसर आंसर नंबर फर्स्ट इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स में तो इसमें ए और वी के लिए सेम टाइप ऑफ शुगर बोला गया है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्वेल्थ क्लास की एन में चैप्टर नंबर फाइव पेज नंबर सेवेंटी सेवन लाइन नंबर ट्वेंटी थ्री पर तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है ओन टाइप की शुगर ये शो करते हैं ठीक है ना तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इसका आंसर है आंसर नंबर टू टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस्ट डाइवर्सिटी जो है पूछी गई है तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर फिफ्टीन में टू फाइव नाइन पेज नंबर पर तो आपको यहाँ पर यह आंसर मिल जाएगा ठीक है अबाउट सेवन मिलियन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है पॉपुलेशन का रिज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर टू स्पेसिज इंटरेक्शन इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्वेल्थ क्लास की एनसीआर में चैप्टर नंबर थर्टीन में टू टू सेवन नंबर पेज पर तो इसमें ट्वेल्व से लेकर थर्टी नंबर की लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी पहले ही आप यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो आप देखिए जब ट्वेल्थ से लेकर थर्टी नंबर की लाइन को आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको बर्थ रेट एंड डेथ रेट मिल जाएगा की में होते हैं एक सेक्स से रेशियो हो गया तो इसमें पूछा गया था तो कौन सा नहीं है तो आंसर स्पेश इंटरेक्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर का क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है जो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली होते हैं पॉलिनेशन करने के लिए कौन सा मेथड इनके इनमें होता है ठीक है ना आंसर नंबर थ्री इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी में, 2 में 29 पर। जब आप ट्वेंटी जाएंगे plants, water, lily, flower, या तो इंसेक्ट के द्वारा या विंड के द्वारा ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा गया है जो ई सी जी होती है उसमें क्या रिप्रेजेंट करता है तो पहला आंसर हो जाएगा डिपोलाइजेशन ऑफ एंटीकल्स तो इसका आंसर के लिए जब आप जाएंगे इलेवेंथ क्लास की एन में चैप्टर नंबर एटीन में टू एट सिक्स पेज नंबर पर तो आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा देखिए ये लिखा है द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेंटिकल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर फिफ्टी थ्री यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पहला इसमें कनेक्ट मैच पूछा है तो सिक्कल सेल एनेमिया ऑटोजोमलिप्रिएट होता है जो क्रोमोजोम नंबर इलेवन तो इसके लिए आंसर के लिए आपको अब देखिए बाकी के ये इनकरेक्ट हैं थेलेसी में हीमोफीलिया इंड फल किटोन यूरिया ये सब आंसर ये सब ऑप्शन जो दे रखे हैं ये नीचे तीनों के तीनों के तीनों ये जो है इनकरेक्ट है इनके लिए आपको जाना पड़ेगा एन -E में ट्वेल्थ क्लास की में चैप्टर नंबर फाइव में पेज नंबर एट्टी नाइन और नाइन्टी पर फिर देखिए एट्टी पर जब आप देखेंगे एट्टी पर तो हीमोफीलिया के लिए आपको मिल जाएगा ये दिया हुआ है रिसेसिव ठीक है सिक्कल सेल अनिमिया ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ना तो आपसे करेक्ट मैच पूछा गया था तो सिक्कल सेल अनिमिया का आपको मिल गया ऑटोजोमल है लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ठीक है ना बाकी ऑप्शन के लिए आप देख लीजिए फिनाइल फिनाइलिडिया का आपको यहां से मिल जाएगा तो ऑटोजोमल रिसेसिव है के लिए आपको ये मिल जाएगा ऑटोजोमलग्रे रिसेसिव ठीक है ना तो वहाँ पे ऑटोजोमल डोमिनेंट दे रखा है ऑप्शन में तो ये सब के सब रॉन्ग है नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर नंबर का द ऑफ ऑफ लेवल फॉस्फोराइलेशन टन सिट्रिक एसिड इसका आंसर है आंसर नंबर फोर फिफ्टी फोर क्वेश्चन का इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इलेवेंथ क्लास की एनसीआरटी में चैप्टर नंबर फोर्टीन में और टू थर्टी टू पेज नंबर की जब आप ये पढ़ेंगे तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल को इंजैम ए टू सक्सिनिक एसिड मोलिक्यूल ऑफ जी टी पी सिंथेसाइज दिस इज सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइजेशन यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है अ मोलिक्यूल ऑफ जी टी पी ठीक है ना तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया इसका आंसर नंबर हो जाएगा थ्री इसके आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेवेंथ क्लास के एन में चैप्टर नंबर नाइन में और चैप्टर नंबर टू में चैप्टर नंबर नाइन में टू में आपको मिलाकर जाना पड़ेगा तो आप जाएंगे जब 147 पेज नंबर पर आपको ये जो दे रखा है कोलाजिन ठीक है ना तो ये क्या है प्रोटीन और ये होती है पेप्टाइड बॉन्ड ये दे रखा है ठीक है उसके बाद 147 के बाद आपको जाना पड़ेगा 146 पेज नंबर पर यहाँ पे जो है ये दे रखा है राइसिन जो भी आप पढ़ेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट फिर आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 158 पर यहाँ पर इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डीहाइड्रोजन इज बाई मेलोनेट नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर वन वी सी एन डी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे या करेक्ट एग्जाम्पल्स पूछे हैं क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्वेल्थ क्लास की एन सी ई आर टी में चैप्टर नंबर सेवन में वन थर्टी वन और वन थर्टी टू पेज नंबर पर वन थर्टी वन और वन थर्टी टू पेज नंबर पर जब आप इनको पढ़ेंगे ये आप पढ़ेंगे और वन थर्टी टू पर जब आप जाएंगे थर्टी टू पर जब आप ये पढ़ेंगे ठीक है ना तो आपको इनका पूरा आंसर यहाँ से करेक्ट एग्जाम्पल्स मिल जाएगा उसके बाद आप जाएंगे फिफ्टी सेवन नंबर के क्वेश्चन पर इसका आंसर हो जाएगा जीवन फेज तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको इलेवेंथ क्लास की एन में जाना पड़ेगा वन पेज नंबर पर ठीक है तो ये आपसे पूछा बोला गया है यहाँ पे देखिए क्यूसेंट स्टेज जो है किसके बाद की स्टेज यहाँ पे क्लियरली दिखा हुआ है जीवन से जब एग्जिट कर जाती है उसके बाद ठीक है तो जीवन इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट इसका आंसर है डिफेंस एक्शन ठीक है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी में थर्टीन चैप्टर में पेज नंबर टू थर्टी फोर पर जब आप ये लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ आपको है डिफेंस अगेंस्ट ग्लेजर्स एंड ब्राउजर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टीन नाइन नंबर का क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर टू इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर थर्टीन में पेज नंबर फिफ्टी वन पर और फिफ्टी टू पर मिलाकर जब आप ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पिछच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट तो इसके आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर ट्वेल्व में टू वन वन पेज नंबर पर जब आप टू वन वन पेज नंबर पर जाएंगे तो तो इसमें इंसुलिन के बारे में बोला गया है ठीक है तो ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका सिक्सटी वन ठीक है सिक्सटी वन क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने आपको बताया था तीन क्वेश्चन इनडायरेक्टली हैं तो पहला हो गया पहला नंबर का दूसरा सिक्सटी वन नंबर का तो सिक्सटी वन नंबर का क्वेश्चन भी इनडायरेक्टली है लेकिन एनसीआरटी में देखिए स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू तो इसके आंसर के लिए ठीक है आंसर नंबर है इसका सिक्सटी वन का फोर वाला इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यू बी बी रेडिएशन ठीक है तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप जाइएगा ट्वेल्थ क्लास के एन सी आर टी में चैप्टर नंबर सिक्सटीन में टू एट्टी थ्री पेज नंबर जब आप पढ़ेंगे इसको एट से लिखे टेन नंबर लाइन इन ह्यूमन आई कॉर्निया एब्जॉर्ब्स यू बी वी अल्ट्रावायलेट वी रेडिएशन एंड द हाई डोज ऑफ यू बी वी कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया स्नो ब्लॉन्ड कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस उन्होंने वहां थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया उन्होंने पूछा तो स्नो ब्लाइंडनेस के बारे में है लेकिन उन्होंने अंटार्कटिक रीजन बस केवल ऐड कर दिया है। बाकी सेम उठा के दे दिया है तो ये क्वेश्चन भी आपका एन से ही है लेकिन इनडायरेक्टली कहूंगा मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी टू स्टोब्लाई और कौन सा फाउंडिंग तो आंसर नंबर टू इक्वीसिटम इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आंसर के लिए इलेवेंथ क्लास की एन में चैप्टर नंबर थ्री में थर्टी सिक्स पेज नंबर और ये जब आप पढ़ेंगे इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कार स्टोब्लाई तो और कॉन्स इसमें आंसर है सेलाजिनेला एंड इक्विटम नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप जब देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा एनसीआर एस टू एन एस थ्री एंड वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया सिक्सटी फोर इसका आंसर है फोर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटीज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा टू फोर्टी थ्री पेज नंबर पर एन सी आर टी ट्वेल्थ क्लास की चैप्टर नंबर फोर्टीन में जब आप देखेंगे यहाँ पर कौन किससे ज़्यादा है तो एन पी पी जो होता है जी पी पी माइनस आर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ जी पी पी हमेशा ज़्यादा होगा ठीक है ना तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर मान लीजिए पचास है और रेस्पिरेशन में लॉस हो गया चार तो बराबर क्या हुआ एन पी पी ठीक है तो ये क्या है जी पी पी है जी पी पी है एक एग्जाम्पल दिया है मैंने ऐसे ही तो एन पी पी बराबर क्या हो गया फोर्टी सिक्स ठीक है ना तो हमेशा एनपीपी कम होगी मतलब जीपीपी हमेशा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होगी हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि रेस्पिरेशन लॉस होता है तब जाके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव इसका आंसर हो जाएगा मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया आंसर नंबर थ्री इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एनसीईआरटी में 246 पेज नंबर पर इस क्वेश्चन को आप 246 पेज नंबर पर देखेंगे तो इसके द्वारा आप इसको कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो ग्लूकोकॉटिकॉइट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक है ना तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जाना पड़ेगा एन सी ई आर टी इलेवेंथ में ट्वेंटी टू चैप्टर नंबर में थ्री थ्री सेवन पेज नंबर पर तो देखिए ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी सेवन नंबर का क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थ्री इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेवेंथ क्लास की एन सी ई आर टी में चैप्टर नंबर सेवनटीन में पेज नंबर 270 और 271 पर तो जब आप 270 और 271 नंबर के पेज नंबर पर जाकर देखेंगे तो यहाँ से आपको करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएंगे जो इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दे रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इसका आंसर हो जाएगा फाइव डस रूट है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेवंथ क्लास की एन में चैप्टर नंबर फाइव में और पेज नंबर सिक्सटी सिक्स पर तो यहाँ पर आपको ये आंसर इस इसको आप पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन का आंसर है कॉलमनर एपिथेलियल सेल इसके लिए आपको इलेवेंथ क्लास की एन में जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर सेवन में वन ज़ीरो टू पेज नंबर पर जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यह आंसर मिल जाएगा इसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी पर इसका आंसर है एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटांसेस तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर टू एट्टी थ्री चैप्टर नंबर क्लास की में क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा ये जो मॉन्टेल प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है यह आप जवाब पढ़ेंगे मॉन्टेयर प्रोटोकॉल वाल साइंड एट मॉन्टेल कैनेडा इन 1987, इफेक्टिव इन 1989 टू कंट्रोल है नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर हो जाएगा बी एंड सी वाला ऑप्शन ठीक है ना इसमें आपसे सही स्टेटमेंट पूछा गया है तो आंसर है वी एंड सी जब आप इसके क्वेश्चन के आंसर के लिए जाएंगे एलेवेंथ क्लास की एन सी ई आर टी में चैप्टर नंबर फोर जो है इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें ये जो टेबल बन रखी है फोर पॉइंट वन ठीक है तो एक ऑप्शन आपको यहाँ से मतलब एक ऑप्शन मिल जाएगा दूसरा आपको यहाँ से मिलेगा ठीक है ना ट्वेंटी टू लाइन नंबर पर आपको ये मिल जाएगा ठीक है सेवेंटी टू क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर टू इसके आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा एववंथ क्लास की एन सी ई आई टी में नाइन नंबर चैप्टर में इसमें आपको तीन चार पेजेस देखने पड़ेंगे तब आपको ये जाके इन दो ये दोनों मिलेंगे इन्युल एंड इंसुलिन इसके लिए आपको पहले जाना पड़ेगा वन फोर्टी सेवन पेज नंबर पर देखो एक इंसुलिन हार्मोन वाला यहाँ पर लिखा हुआ है ये यह आपको यहाँ से मिलेगा के बाद 148 पर देखो 147 पर तो ये मिल गया ठीक है फिर आपको जाना पड़ेगा 148 पर ये आपको यहाँ से इन्यूलिन मिल गया तो यहाँ से आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड 151 पेज नंबर पर और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन से सब्सटेंस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है कौन से में पेप्टाइड बॉन्ड होती है तो आपको इंसुलिन और इन्यूलिन दोनों के बारे में पता लग गया कि जो इंडियोलिन है वो क्या है एक तरीके से पोलिसक्राइड और पोलिसक्राइड में या पोलिसक्ट्राइड की छोटी यूनिट मोनोसेक्राइड इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड कौन से बॉन्ड के द्वारा जोड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और इसके बाद आंसर क्वेश्चन नंबर है सेवेंटी थ्री इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर टू इसमें आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है इसके आंसर के लिए आपको ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी में जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर थ्री में इसमें आपको एक फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फिफ्टी वन फिफ्टी थ्री चार जगह पर आपको जाना पड़ेगा ये आप यहाँ से इसको रीड करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा दूसरे ऑप्शन के लिए आप फोर्टी फोर पर जाएंगे आप ये रीड करेंगे तो एक ये मिलेगा एक आप जाएंगे वन एक आप जाएंगे फिर फिफ्टी वन पेज नंबर पर आपको यहाँ से मिलेगा इसके बाद आप जाएंगे फिफ्टी थ्री पेज नंबर पर तो आपको फिफ्टी थ्री पेज नंबर पर जाएंगे तो ये आपको एस सी जी ह्यूमन कोरियोनिक गुने ये आपको ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका आंसर नंबर है क्वेश्चन एन सी ई आर टी से ऐसा का ऐसा उठ के पूरा का पूरा आ गया है बिल्कुल डाटा तक एन सी ई आर टी से चेंज नहीं हुआ है सेम एन सी आर टी में है ये क्वेश्चन का आंसर के लिए आप नाइनटी नाइन पेज नंबर पर जाएंगे ट्वेल्थ क्लास की एन सी आर टी में चैप्टर नंबर सिक्स में जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डिक टू सेम का सेम सब कुछ मिलेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर टू प्लम इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप जाएंगे इलेवंथ क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर फाइव में सेवेंटी थ्री पेज नंबर पर तो ये लिखा हुआ है द ओवी हेयर इज सेट टू बी हाफ इन्फीरियर एग्जाम्पल प्लम रोज एंड पीच पी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर वन इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर टेन वन सिक्सटी थ्री पेज नंबर पर जब आप यहां से ये पढ़ेंगे इसको तो यह आंसर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थ्री हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इस क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए आप 50 और 51 वन पेज नंबर पर जाइए ट्वेल्थ क्लास के एन में चैप्टर नंबर थ्री में तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो ओव्यूलेशन हो रहा है वो आपको पता ही ये लगभग 14 डे पर होता है देखिए ईस्ट्रोजन का हाई लेवल है और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप पेज नंबर 51 पर ये स्टार्टिंग की जो लाइन दे रखी है इनको भी आप देख सकते हैं इनमें भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 78 इसमें आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा इलियम इज़ हाईली कॉइल्ड पार्ट बाकी के बाकी गलत है तो इन चारों ऑप्शन के लिए आप को जाना पड़ेगा 259 पेज नंबर पर इलेवंथ क्लास की एन में चैप्टर नंबर 16 में तो देखिए इलियम ये लिखा हुआ है हाईली कॉइल्ड इलियम ठीक है बाकी के जो ऑप्शन है आपको यहाँ से ये सब मिल जाएंगे जहाँ रेड मार्क हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन इसका आंसर हो जाएगा थ्री इसमें मल्टीपल चॉइस मतलब इसमें आपको करेक्ट मैच कराए गए हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा टू टू एट्टीन पेज नंबर इलेवेंथ क्लास की एन में एट्टीन नंबर के चैप्टर में तो कुछ ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे बाकी के ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे ये चारों के चारों ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला जैसा मैंने आपको बताया था तीन क्वेश्चन एनसीईआरटी से इंडायरेक्टली थे पहला वाला और सिक्सटी वन वाला और एट्टी वाला

और ट्वेंटी फाइव पेज नंबर पर आपको ये डायग्राम पूरा देखना है इसमें देखो ये लिखा है ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ए टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल ठीक है तो इस पूरे को मिला के या आप इसको भी यहाँ कर सकते हो इस पूरे को मिला के ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको भी पढ़ने को इस पूरे को मिलाने के बाद आप बस थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते थे ये भी एन सी ई आर टी से ही है ठीक है जब आपके टीचर ने आपको ये पूरा का पूरा ओव्यूल ठीक है ना ये सब आपको जब पढ़ाया होगा वहाँ का ये टॉपिक आपको यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्ट पेस्ट इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा 208 पेज नंबर पर एन सी ई आर टी ट्वेल्थ क्लास की ट्वेल्थ चैप्टर में थर्टी पेज नंबर पर जब आप जाएंगे तो ये आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा प्रोवाइड रजिस्टेंट टू इन्सेक्ट्स ठीक है ना तो ये सब आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी टू एटी टू के लिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला इसके आंसर के लिए आपको ट्वेल्थ क्लास की एन में चैप्टर नंबर सिक्स में जाना है और वन वन फोर पेज नंबर पर आपको जाना है तो ये आपको जाना है तो ये अमीनो एफाइलेशन ऑफ टी आर ये आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका एट्टी इसमें एट्टी में आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थ्री कार्ल्स अंस वॉन फीय तो इसके आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्वेल्थ क्लास की एन में चैप्टर नंबर सेवन में वन टू नाइन पेज पर तो वन टू नाइन पेज पर जाएंगे तो ये क्लियरली लिखा हुआ है उसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन एटी फोर एट्टी फोर में करेक्ट मैच कराई गई हैं तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा थ्री इसके आंसर नंबर थ्री के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर फिफ्टी सिक्स और फिफ्टी सेवन इलेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर फोर में ठीक है जब आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ से पेज नंबर फिफ्टी सिक्स और फिफ्टी सेवन पर जाने के बाद आपको ये सब ऑप्शन यहाँ से मिल जाएंगे ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 85 क्वेश्चन में भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग कराए गए हैं तो 85 के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्वेल्थ क्लास के एन में चैप्टर नंबर टेन वन एट्टी पे तो आपको देखो दो ऑप्शन यहाँ से मिलेंगे बाकी आपको ये याद पढ़ेंगे आप यहाँ से यहाँ तक का तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिक एसिड और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा एलेवेंथ क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15 में 252 फिफ्टी टू और टू पेज नंबर पर ये यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके आपको पढ़ना है यहाँ तक जब आप ये पूरा यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो ये आपको सीट डॉरमेंसी वाला ये आपको पूरा यहाँ से मिल जाएगा इस क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन यहाँ भी मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेवेंथ क्लास की एन में चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू थ्री ट्वेंटी सिक्स और थ्री ट्वेंटी फाइव पेज नंबर पर तो थ्री ट्वेंटी फाइव पेज नंबर पर आपको ये यहाँ से ये देखिए आप ये पढ़ेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएंगे ठीक है नेक्स्ट आपको मिलेगा ये यहाँ से ऑर्गन ऑफ कॉटाई वाला थ्री ट्वेंटी सिक्स पेज नंबर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी एट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फोर इसके आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर सिक्सटीन में 262 पेज नंबर पर जब 262 पर आप जाएंगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये ये आंसर आपको यहाँ से मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 इस क्वेश्चन का आंसर है कीटोन यूरिया इन ग्लाइकोस यूरिया इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा 298 पेज नंबर पर लेवेंथ क्लास के एन में चैप्टर नंबर नाइनटीन में ये लिखा हुआ है ठीक है ना ये आप पढ़ेंगे तो ये आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटी आखिरी क्वेश्चन ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर वाला और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेवंथ क्लास की एन में चैप्टर नंबर इलेवन में वन पेज नंबर पर जब आप ये पढ़ेंगे यहाँ से तो यह आंसर आपको मिल जाएगा आपको वीडियो कैसी लगी या आपका कोई सजेशन हो जिससे हमारी वीडियो और अच्छी हो सके तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वह सपोर्ट बनाते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर एंड